हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सांभर प्री मिक्स की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और कम सामान में जो घर में अवेलेबल होते हैं उसमें बन जाती है, और इसके साथ सांभर बनेगा सिर्फ 10 मिनट में। आपको अलग से दाल उबालने की और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। इस रेसिपी में यूज़ होने वाले इन्ग्रीडियंट्स और उनकी क्वान्टिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, इससे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। सांभर प्री मिक्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप तुअर की दाल, और अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप चावल, और 1/4 कप ही लूँगी मैं मसूर की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल और 1/4 कप चना दाल। अब इन सारे सामान को हम अच्छे से धोएंगे, वॉश करेंगे और एक कपड़े पे फैलाकर पंखे के नीचे सुखा देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। दाल चावल सूख रहे हैं तब तक मैं कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप धनिया कोरिएंडर सीड, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जीरा क्यूमिन सीड, और 1/4 कप मैं ऐड करूँगी कोकोनट। ये मैंने पीसीस लिए हैं कोकोनट के, अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इनको बिल्कुल धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, इसके अंदर से अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा। तब तक नारियल और धनिया अच्छे से भून गया है, उसमें अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मेथी, और 1 टेबलस्पून डालूंगी काली मिर्च। इसे भी 2-3 मिनट के लिए हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। सारे मसाले जो होते हैं अलग अलग टाइम लेते हैं कुक होने के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक एक करके धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और उनको बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है ज़्यादा, अगर आप तीखी मिर्च यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आधी कर दें। इसे भी हम बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब सबसे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में डालकर 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। दाल चावल भी अच्छे से सूखे हैं, अब हम इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। दाल चावल भी रोस्ट हो गए, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। दाल चावल और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, इनका ऑलमोस्ट सारा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, ड्राई हो जाने चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अब हम पहले दाल चावल को ग्राइंड कर लेंगे, इनका एक पाउडर जैसा बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम जो मसाले हैं उनको भी पीस लेंगे, ये मसाले भी हमने पीस लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ इमली, इमली को मैंने धूप में सुखा के लिया है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए नहीं तो मसाला ख़राब हो सकता है। ये मसाले भी पीस गए हैं, अब हम इसे दाल चावल का जो मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हींग, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च जो सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं वो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिर्ची ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने मसाले में मिर्ची काफ़ी सारी यूज़ की है। ये प्रीमिक्स तैयार हो गया है, अगर आप चाहते हैं ये प्रीमिक्स काफ़ी दिनों तक चले तो आप मसालों को बिल्कुल धीमी आंच पर और बहुत अच्छे से भूनिएगा, नहीं तो मसाला ख़राब हो जाएगा। अब हम इसके साथ बनाएंगे एक क्विक सांभर की रेसिपी। सांभर बनाने के लिए मैंने ऑयल गर्म किया है, इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच चना दाल, 1/2 चम्मच उड़द दाल। इन्हें 10-12 सेकेंड के लिए भूनेंगे हम, और इसमें फिर ऐड कर रही हूँ मैं कड़ी पत्ता, फिर डाल रही हूँ प्याज, इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बिना सब्जियों के भी बिल्कुल क्लीन सांभर भी बना सकते हैं, और इसमें थोड़े हल्दी नमक और मिर्ची ऐड करेंगे सिर्फ सब्जियों के हिसाब से, क्योंकि मसाले के लिए हमने बहुत सारा मसाला उसमें ऐड कर रखा है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर और उसको ढककर पकाएंगे। ये अच्छे से पक गई हैं, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप सांभर प्रीमिक्स। सांभर प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर और तेज आंच पर 1 उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम बिल्कुल गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसे 10 मिनट पकाएंगे। सांभर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है। अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है इसमें तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल सही है ये। तो फ्रेंड्स, ये सांभर बन गया है और आप देख सकते हैं जो बाजार के मसाले से हम बनाते हैं वैसा ही कलर और टेक्सचर है। तो फ्रेंड्स, हमने जो सांभर प्रीमिक्स बनाया है इससे हमारे 7 से 8 बार सांभर बन जाएगा आराम से। तो आप एटलीस्ट 1 बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।